ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की, जी हाँ सीजी कंज्यूमर कंपनी ने एक बड़ा एक्विजिशन किया है जिसके चलते ये खबरों में है। बटरफ्लाई गांधीमती में 1430 रुपए प्रति शेयर के दाम पर 55% हिस्सा यहाँ पर कंपनी ने खरीदा है। कल के ट्रेडिंग सेशन से ही हम देख रहे हैं कंपनी में लगातार तेजी के बीच कामकाज देखने को मिल रहा है। 55% की हिस्सेदारी 1380 करोड़ में खरीदी गई है। इस एक्विजिशन पर और कारोबार विस्तार के प्लान्स को लेकर कंपनी के क्या आउटलुक हैं, कंपनी की क्या स्ट्रैटेजीज हैं, इस पर बात करने के लिए कंपनी का मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ गए हैं। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर शांतनु खोसला जी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। शांतनु जी, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले तो ढेरों शुभकामनाएं इस एक्विजिशन को लेकर, ग्रोथ प्लान आप बढ़ा रहे हैं और हमारी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ कि आगे भी ग्रोथ जो है आपकी इसी तरह से इंटैक्ट रहे, इनफैक्ट बढ़ती हुई दिखे। इस एक्विजिशन से आपके क्या आउटलुक है, आपके क्या प्लान्स या सिनर्जीज कैसे दिखेंगी? ये हमारे लिए तो, हम तो सोचते हैं कि बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव एक्विजिशन है और दोनों बटरफ्लाई को और क्रॉम्पटन के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है आगे चल के। जो ये स्मॉल अप्लायंसेस का मार्केट है, ये काफी बड़ा मार्केट है, 8000 करोड़ के लगभग, और ये काफी अच्छे कई साल से ग्रो कर रहा है। और जहां तक बटरफ्लाई की बात है, बटरफ्लाई पिछले 4-5 साल से मार्केट से ज्यादा तेज ग्रो कर रहा है, फास्टर देन द मार्केट, और शेयर गेन कर रहा है। तो ये ब्रांड जो है बटरफ्लाई इस एरिया में, इस मार्केट में काफी स्ट्रांग है। ज्यादा इनका स्ट्रेंथ साउथ में है, पर इसका मतलब कि बाकी रीजन में हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है और भी ग्रोथ लाने के लिए। तो एक तो ये ब्रांड है, और ये ब्रांड में बहुत अच्छे स्ट्रेंथ है जो कॉम्प्लीमेंट्री है क्रॉम्पटन के लिए। दूसरा जो ये स्ट्रेंथ है बटरफ्लाई का, जो हमको मिलता है इस एक्विजिशन से, कि बटरफ्लाई ज्यादातर अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग करता है अपने फैक्ट्री में, और इस इनके पास ये कैपेबिलिटी है मैन्युफैक्चरिंग की, और इनका जो मैन्युफैक्चरिंग है काफी बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है। इससे क्या होता है कि स्पीड ऑफ इनोवेशन, लोकलाइज्ड डिजाइन, ये सब कैपेबिलिटी हमको मिलती है जो इस जैसे मार्केट और सेगमेंट और कंज्यूमर के लिए बहुत ही जरूरी है। फाइनली इसके आगे जैसे दोनों कंपनी साथ में आएंगे, कॉस्ट के भी सिनर्जीज आगे में हमको दिखते हैं, सिंपली स्केल के वजह से। हमारा परचेसिंग पावर, वेंडर बेस स्ट्रेंथन हो जाएगा। कई जगह ऐसे हैं लॉजिस्टिक्स में वगैरह वगैरह, जो आगे चल के कॉस्ट के भी सिनर्जी आएंगे। तो ये ब्रांड का स्ट्रेंथ है, ये टेक्निकल और मैन्युफैक्चरिंग का स्ट्रेंथ है जो हमारे साथ जुड़ जाएगा, और उसके अलावा दोनों ग्रोथ में सिनर्जीज हैं और कॉस्ट में भी सिनर्जीज है। सर, हम ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि इस अधिग्रहण के बाद हम देख रहे हैं कि बड़ी अपॉर्चुनिटी कंपनी के लिए खुल गई है, काफी सारे दरवाजे खुल चुके हैं, और इसके बाद कंपनी की क्या योजनाएं हैं? क्या कंपनी लार्ज अप्लायंसेस कारोबार जैसे कि चिमनी है वहां पर भी अपना फोकस बनाएगी? क्योंकि बटरफ्लाई के पोर्टफोलियो में हमने देखा कि उस पर ज्यादा कुछ फोकस नहीं किया गया है, तो आपके आगे के लिए क्या प्लानिंग रहेगी? पहले जो है, पहला अपॉर्चुनिटी जो हमारे सामने है वो स्मॉल अप्लायंसेस में लीडर बनने का, तो पहले हमारा फोकस वहां होगा। पर अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो ये सिर्फ स्मॉल अप्लायंसेस की बात नहीं है, ये किचन की बात है। हमको लगता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म कोई भी ट्रेंड देखें, अर्बनाइजेशन, न्यूक्लियर फैमिलीज, इनकम्स गोइंग अप, वर्किंग वुमेन, ये जो इंटायर किचन का रोल लोगों की जिंदगी में बदल रहा है, और इसके साथ लॉन्ग टर्म में किचन में लीडर की उम्मीद है। पर पहले तो काम पहले हो गया, स्मॉल अप्लायंसेस में विन करो, स्मॉल अप्लायंसेस में देश भर में जीतो,
पर एक बार ये हो गया तो हमारा किचन में जो स्ट्रेंथ होगा और बहुत से और अपॉर्चुनिटी सामने आएंगे। बिल्कुल शांतनु जी, ऑपरेटिंग मार्जिन्स की अगर बात करें, बटरफ्लाई गांधीमती के ऑपरेटिंग मार्जिन्स जो है 9 to 10% पर है, और उसी के सामने क्रॉम्पटन ग्रीव्स के जो मार्जिन्स अराउंड 50% देखने को मिल रहे हैं। आपका आउटलुक इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स गोइंग फॉरवर्ड फिर क्या रहेगा? आगे का नंबर के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहते हैं, पर हमारी जो गोल है, और ये ऐसे ही हमने किया क्रॉम्पटन में पिछले 5-6 साल में जब से हमारी कंपनी बनी है, हमारा कोशिश होगा कि हमारे कॉस्ट बेस्ट इन क्लास हो। उसमें हमने देखा है कि काफी सिनर्जी ओवर टाइम आ सकते हैं। एक बार कॉस्ट बेस्ट इन क्लास हो गया, उसके बाद जैसे बिजनेस चलेगा हम डिसाइड करेंगे, क्योंकि जो मार्जिन बढ़ेगा उसको हम रीइन्वेस्ट कर सकते हैं इनोवेशन में, ग्रोथ में, नए प्रोडक्ट्स में। आगे चल के देखेंगे कि कितना रीइन्वेस्ट होगा और कितना आएगा नीचे बॉटम लाइन पे, बिल्कुल जैसे हमने पिछले 6-7 साल में क्रॉम्पटन में किया। पर सर, किचन अप्लायंस का अगर मार्केट भी देखें तो वो करीब करीब 8,000 करोड़ का मार्केट है, जिसमें कि बटरफ्लाई की अगर ग्रोथ की बात करें तो पिछले 5 सालों से औसत ग्रोथ जो बटरफ्लाई दिखा रही है वो 15-21% के आसपास की सीएजीआर ग्रोथ वहां पर देखने को मिल रही है। अगर इन सबको कंपेयर करें तो आप किस तरह की ग्रोथ एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस अधिग्रहण के बाद? अभी तो मैं रफली बात करूंगा मार्केट शेयर के बारे में। इनके बटरफ्लाई के 4 कैटेगरी 80% से ज्यादा उनका बिजनेस कंट्रीब्यूट करते हैं। ये 4 कैटेगरी हैं मिक्सर्स, प्रेशर कुकर्स, हॉब्स एंड स्टोव्स और वेट ग्राइंडर्स। इन चारों में रफली नेशनली इनका 10% शेयर है, किसी में 9, किसी में 10। साउथ में ज्यादा है और बाकी रीजन्स में कम है, पर नेशनल एवरेज लगभग इतना है। आगे का ग्रोथ हम देखते हैं कि, और ये हमेशा हमारी गोल होती है कि हर सेगमेंट में मार्केट से ज्यादा तेज ग्रो करें, यानी कि शेयर गेन करें, और वो ही हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा। ओके, अब ब्रांड्स के बाइफर्केशन कैसे होंगे वो समझना चाहेंगे। क्रॉम्पटन के पास ऑलरेडी अपने किचन अप्लायंस है, लाइक मिक्सर ग्राइंडर। सो क्या अब आगे जाकर यहाँ पर प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो दो अलग ब्रांड्स होंगे? स्ट्रेटजी ब्रांड्स को अगर देखें, ब्रांडिंग को देखें, उसे लेकर आपकी क्या होगी? दो ब्रांड रहेंगे और हमारे व्यू में यह बहुत एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ है। अभी हमारे पास दो स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, एक क्रॉम्पटन और एक बटरफ्लाई। दोनों की अपनी अपनी पोजीशन और इक्विटी है। इसके वजह से आगे चल के अलग अलग इनोवेशंस, पोर्टफोलियो एक्सपेंशंस दोनों ब्रांड में हो सकती हैं, और ये मार्केट्स इतनी बड़ी हैं कि दो ब्रांड का होना फायदेमंद होगा हमको लगता है। जहां तक इमीडिएट बात है मिक्सर ग्राइंडर की, क्रॉम्पटन का जो स्मॉल अप्लायंसेस बिजनेस, हम जिसको स्मॉल अप्लायंसेस कैटेगरी में बात करते हैं, उसमें वैसे ज्यादातर बिजनेस गीजर्स और कूलर्स का है। मिक्सर्स का हमने अभी अभी काम शुरू किया है। बाकी जो बटरफ्लाई के सेगमेंट्स हैं उसमें तो अभी क्रॉम्पटन खेलती भी नहीं है, तो हमको कोई अभी शॉर्ट टर्म में कोई डर नहीं है कि कैनिबलाइजेशन होगा, कुछ होगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लॉन्ग टर्म में दो ब्रांड से हमको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जैसे हम पोर्टफोलियो एक्सपेंड करते हैं और दोनों ब्रांड के अलग अलग पोजिशन बनते जाएंगे। सर,
सर, किचन कैटेगरीज और अप्लायंसेस की बात करें तो काफी एक बड़ा मार्केट है और उसमें एक बड़ा हिस्सा अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर के पास भी है। अगर कंपटीशन की बात करें तो कैसे फेस करेंगे, जो लोकल प्लेयर्स हैं उनके साथ कैसे कम्पीट करेंगे आप, और किस तरह से अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को प्लान करेंगे, उसको सुधार में लाने के लिए क्या स्ट्रैटेजी है आपके पास? पहले तो लोकल प्लेयर्स की बात करें, और जैसे हम सोचते हैं कि चाहे वो लोकल प्लेयर हो चाहे नेशनल प्लेयर हो, जीतने के लिए हमको बेस्ट इन क्लास कॉस्ट चाहिए, जीतने के लिए हमको सुपीरियर प्रोडक्ट चाहिए, जीतने के लिए हमको बेटर इनोवेशन चाहिए। अगर ये सब है तो हम जीतेंगे, ये नहीं बना पाए तो इतना सक्सेसफुल नहीं होंगे। एक बार ये हो गया तो फिर चलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की बात में। दोनों कंपनी के पास कॉम्प्लीमेंट्री और रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अभी जैसे दो ब्रांड अवेलेबल हैं, स्ट्रॉन्गर चैनल अवेलेबल है। अगर हम स्मॉल अप्लायंसेस की बात करें तो स्मॉल अप्लायंसेस के जो की जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल से थोड़ा हटके है। वो दुकानों में जहाँ किचन के का सामान बिकता है, प्रेशर कुकर बिकता है, वगैरह वगैरह। अभी साउथ में ये क्रॉम्पटन के लिए फायदेमंद होगा क्योंकि बटरफ्लाई के पास, बटरफ्लाई ने ये बनाया हुआ है और बहुत स्ट्रॉन्ग है डिस्ट्रीब्यूशन में, ये चैनल में साउथ में, तो वो क्रॉम्पटन के लिए फायदा होगा। अगर हम नॉर्थ की बात करें, वहां बटरफ्लाई का चैनल इतना बना नहीं है, इतना इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है, पर क्रॉम्पटन का बना बनाया चैनल है, इससे बटरफ्लाई को ओवर टाइम फायदा होगा। तो चैनल भी कॉम्प्लीमेंट्री है। बिल्कुल शांतनु जी, आपने ज्योग्राफीज को टच किया। ऑफकोर्स नॉर्थ में जिस तरह आप कह रहे हैं कि बटरफ्लाई का अभी जो स्तर है वो इतना नहीं बड़ा जितना क्रॉम्पटन के पास है, इसी को लेकर आगे अगला सवाल होगा मेरा। अगर हम एक्सपेंशन की बात करें, डिफरेंट ज्योग्राफीज की बात करें, तो कौन सी ऐसी ज्योग्राफीज हैं जो इस एक्विजिशन के बाद आप टैप करने वाले हैं? अपॉर्चुनिटी तो है नॉर्थ वेस्ट में, साउथ में, साउथ में ऑल्सो साउथ में स्ट्रेंथ है, तो वो स्ट्रेंथ में भी अपॉर्चुनिटी है और ग्रो करने के लिए। तो बाय सीक्वेंस तो अपॉर्चुनिटीज तो बहुत हैं। बाय सीक्वेंस जैसे हम ये बिजनेस पहले ट्रांजिशन करेंगे, स्टेबल करेंगे, उसके बाद बाय सीक्वेंस जैसे एक के बाद एक अपॉर्चुनिटी हम एक्सपैंड करते जाएंगे। सर, आपने काफी बार एक बड़ा क्लिचर प्लेयर बनने की बात की, तो इस तरफ क्या स्ट्रैटेजी है आपकी, योजना क्या है, और आने वाले के समय के लिए क्या कुछ कैपेक्स योजना भी है आपकी? जैसे हम बिजनेस बढ़ाएंगे, जैसे वॉल्यूम बढ़ती जाएगी, जैसे अलग अलग सेगमेंट्स में प्ले करेंगे, ऑब्वियसली हमको कैपेसिटी बनानी पड़ेगी, बटरफ्लाई के लिए ही नहीं क्रॉम्पटन के लिए भी। तो ये तो केपेक्स के प्लान तो बनाएंगे हम, और केपेक्स में इन्वेस्टमेंट ओवर टाइम तो होएगा दोनों कंपनी के लिए। बिल्कुल शांतनु जी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी मैनेजमेंट कंट्रोल को लेकर। यहाँ पर प्लान्स क्या है इन टर्म्स ऑफ टॉप लीडरशिप, और बटरफ्लाई के जो प्रमोटर्स हैं उनको लेकर क्या वो नए मैनेजमेंट का एक्विजिशन के बाद जो मैनेजमेंट होगा उसका पार्ट होंगी? जो प्रमोटर्स हैं जिनके हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बढ़िया ब्रांड और बिजनेस बनाया है इतने सालों में, वो जब ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट होएगा तो वो दोनों अपने बोर्ड के डायरेक्टर पोजीशन भी छोड़ देंगे और मैनेजमेंट पोजीशन भी छोड़ देंगे, तो वो सिर्फ माइनॉरिटी शेयर होल्डर बन के रह जाएंगे। कुछ 8-9% शेयर उनके पास रहेगा, पर कोई ऑपरेशनल रोल नहीं रहेगा उनका। चलिए,
ठीक है, तो ये कंपनी के मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़े थे और इस अधिग्रहण के बाद पूरी डिटेल में हमारे साथ चर्चा करते हो। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और आगे के आउटलुक पर अपनी ग्रोथ स्ट्रैटेजी पर बात करने के लिए। तो एक बड़ा अधिग्रहण किया कंपनी ने, बटरफ्लाई में 55% हिस्सेदारी खरीद ली है और उसकी डिटेल्स छोटी छोटी बारीकियां हमें खुद मैनेजमेंट समझा रहे थे कि आने वाले समय में वो एक बड़े किचन अप्लायंसेस कैटेगरी में एक बड़े प्लेयर बनकर सामने आना चाहते हैं।